नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल का पौधा कंटिन्यू बीमार चल रहा है? उस पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है, सूखने के कगार पर पहुंच गया है। उस पर कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियाँ जली जली जैसे हो रही हैं, पत्तियों में जाला लग गया है, पत्तियों में कीड़े मकोड़े लग गए हैं। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं, उस पर बम्पर कलियाँ और फ्लावरिंग पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा गुड़हल का पौधा है, कितना स्वस्थ है और फूल और कलियाँ बहुत अच्छे से आ रहा है। तो खुद ही देख सकते हैं, पत्तियों का कलर भी सही है, फूलों का साइज भी सही है। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो आज मैं कुछ ज़रूरी केयर टिप्स बताऊंगी और कुछ खाद आपको दिखाऊंगी, जिसको अगर आप डालते हैं तो 100% आपका गुड़हल का पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा, पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, फूलों से लदा रहेगा। तो नवंबर चल रहा है दोस्तों, अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपने यह खाद नहीं डाला है तो फटाफट डाल लीजिए, ताकि पूरी ठंडी आपको बम्पर फ्लावरिंग और कलियां भी मिलें दोस्तों, और ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के मिले। आप चाहें तो इस खाद को किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो फूल वाले हो, फल वाले हो। फूल वाले में हर तरह के फूल वाले में डाल सकते हैं, फल वाले में हर तरह के फल वाले में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। चलिए एक आज खास फूल से आपको मिलाते हैं दोस्तों, जो मेरे गार्डन का बहुत ही खास फूल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस फूल, ये भी एक गुड़हल की वेराइटी है और ये रंग बदला है दोस्तों। तो इसका कलर देख सकते हैं कि ये वाइट है, कुछ समय बाद ये लाइट पिंक होगा और कुछ समय बाद ये डार्क पिंक हो जाएगा दोस्तों। तो इस पर देखिए दोस्तों कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हुई है, कलियां भी बहुत अच्छे से आई हैं दोस्तों। तो आज मेरे इस खास फूल से मिल लीजिए और इसकी ग्रोथ देख लीजिए, और जो मैं केयर इसके साथ करती हूँ वो भी अभी आपको मैं बता दूँगी दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि सबसे पहले कि चाहे वह फल वाले पौधे हों, चाहे वह फूल वाले पौधे हों, उन्हें प्रॉपर तरीके से धूप मिलना चाहिए। तो आप उन्हें ऐसी जगह रखिए, शिफ्ट करिए जहां पूरे दिन की धूप लगती हो, ख़ास तौर से ठंडी में। अगर वही गर्मियां आ रही हैं तो 2-4 घंटे की धूप काफ़ी है, लेकिन वह ठंडियां स्टार्ट होती हैं तो पूरे दिन की धूप दिखाइए ही दिखाइए, तब जाके पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा दोस्तों, ठीक है। तो धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी है, अगर धूप नहीं लगेगा तो पौधे का जो ये फूल दिख रहे हैं, फूलों का साइज भी छोटा हो जाएगा, कलियां फूल बनने से पहले भी गिर सकती हैं, फूल बनेंगे भी नहीं, माने कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, फूल नहीं भी बनेंगी, अगर बनती भी हैं तो छोटी आएंगी, अगर कलियां आती भी हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाएंगी, अगर भूले भटके खिल जाएँ तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन आप चाहते हैं कि अच्छे से फ्लावरिंग करें तो उसको फुल सनलाइट में रखिएगा, क्योंकि फुल सनलाइट में ही पौधे को ताकत मिलती है और ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करना है दोस्तों। अगर आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करते हैं तो वही पौधा स्वस्थ रहता है, ठीक है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। और जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं दोस्तों, तो जड़ों तक जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिट्टी को ताकत मिलती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है, जब मिट्टी को ताकत मिलती है तो जड़ों का अच्छे से विकास होता है, और जड़ें अच्छे से जब विकास करती हैं तो उसी को पौधे की जो टहनियाँ होती हैं मोटी होती हैं, अच्छी अच्छी टहनियाँ निकल के आती हैं, अच्छे अच्छे कलियाँ निकल के आती हैं, और जो भी कलियाँ निकल के आती हैं स्वस्थ आती हैं, फूलों का साइज बड़ा होता है, कलियों का साइज बड़ा होता है। और मिट्टी की खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि अगर एक्स्ट्रा जो जड़ें रहती हैं वह कट के निकल जाती हैं, उससे पौधा अपनी बहुत अच्छी सी ग्रोथ करता और कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं दोस्तों। तो इस सब काम बहुत ही ज़रूरी होता है फ्लावरिंग पाने के लिए, सिर्फ खाद डाल देने मात्र से नहीं होता है, पौधों में सिर्फ खाद डाल देंगे तो उससे नहीं होता है, ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधों को ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं होने देना है। कभी कभी ये भी होता है कि आप हर चीज़ धूप भी प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं, मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, खाद भी समय पर डाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये भी एक गलती हो जाती है कि ओवरलोड आप वाटरिंग कर देते हैं पौधे को। तो जब कंटिन्यू मिट्टी में पानी भरा रहेगा तो मिट्टी कंटिन्यू जब पानी भरा रहता है तो मिट्टी अपनी ताकत गंवा बैठती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे विकास करना बंद कर देता है, उसके बाद अचानक से सूख जाता और आप समझ भी नहीं पाते हो। तो पानी वगैरह हमेशा जब भी डालिए तो मिट्टी चेक करके डालिए, ओवर वाटरिंग का शिकार ना बनाइए।
और ओवर वाटरिंग से ये भी होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं अचानक से सड़ने लगती हैं। जब सड़ने लगती हैं तो वही पत्तियां पीली होने लगती हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, कलियां फूल बनने से पहले झड़ जाती हैं, तो कुछ समस्याएं इसके कारण भी होती है। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। और जो ये गुड़हल के पौधे होते हैं ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इन्हें अगर आप हर महीने में खाद नहीं देंगे तो इस पर गिने चुने फूल आएंगे, अच्छे से फूल नहीं आएंगे, इस पर विकास अच्छे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों जब यह मिट्टी में लगा रहता है तो अच्छे से यह पौधा विकास करता है, मिट्टी में उसमें अपने आप वो भोजन मिल जाता है, लेकिन उसका मान लीजिए मिट्टी का लिमिट नहीं ना होता है, लेकिन जब गमले में वही हम लगाते हैं पौधा तो उतना ही मिट्टी में ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उतना ही मिट्टी में ये अपने आप को विकास करने में लगाते हैं, तो उस मिट्टी को हम दोबारा रिचार्ज करने के लिए हर महीने में उचित पोषक तत्व डालते हैं, तब जाके पौधा विकास करता है। ठीक है, और इसके बाद करना क्या रहता है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसको स्वस्थ भी रखना पड़ता है। तो स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हर महीने मिट्टी के अंदर एक चम्मच नीम खली या एक चम्मच नीम आयल डालना न भूलें। इससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े टाँडा या स्नेल वाले जो सीप वाले कीड़े लग जाते हैं उससे निजात मिल जाता है, और उससे जब निजात मिलता है तो उसी पौधे पर बम्पर फूल कलियां आती हैं, वही पौधा बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ करता है। दोस्तों अगर इन सब बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। और कभी कभी ये भी होता है कि पौधे के पत्तियाँ जो होती हैं उसके ऊपर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो कलियों का रस चूस लेती हैं, फूलों का रस चूस लेती हैं, टहनियों का रस चूस लेती हैं, जिसके वजह से अचानक से कलियां टूट के गिर जाती हैं या पौधा अचानक से सूख जाता है, क्योंकि जब रस चूस लेती हैं तो कुछ बचता नहीं है, तो अचानक से वह ख़राब होने लगते हैं पौधे। तो ध्यान रखिए समय समय पर पौधे के ऊपर भी कीटनाशक का स्प्रे करिए, और नहीं तो नीम आयल का स्प्रे करिए, फंगीसाइड का स्प्रे करिए, इसलिए करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि गमले में जो पौधे लगे होते हैं उनकी विशेष केयर करनी पड़ती है, चाहे वो पौधा जितना भी हार्डी हो, लो मेंटेनेंस हो, इतना तो करना ही पड़ता है दोस्तों। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए, तो चलिए दोस्तों तो दिखाते हैं कि हम खाद कौन सा डालते हैं। तो आज मैं इसी रंग बदले वाले फूल में अपने खाद डालूंगी दोस्तों, जो अपना रंग बदलता रहता है, इसमें अगर मैं डाल दे रही हूँ तो पूरी ठंडी मेरे को फिर इसको टच नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज आप बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा कि मैं कौन कौन सा खाद डाली हूँ, कितनी मात्रा में डाली हूँ। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जितनी सूखे फूल हों उसको हटा दीजिएगा, सूखी पत्तियां हो, सूखे ब्रांच हो, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगता है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद मिट्टी के ऊपर जितने भी पत्तियां वगैरह सूखी पड़ी हो उन सबको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सब पत्तियां पड़ी रहती हैं जिसके वजह से छोटे मोटे कीड़े आकर्षित होकर उत्पन्न होने लगते हैं, और नहीं आकर्षित होते तो इसके सड़ने से उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो इन सब पत्तियों का रखने का काम ना करें, इन सब को उठा के एक ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ ये कंपोस्ट हो जाए, फिर इसका यूज कर लीजिएगा, लेकिन इसमें रखने की गलती ना करिएगा, क्योंकि ये जो स्नेल वाले कीड़े हैं बहुत तेज़ी से उत्पन्न होते हैं जब हम सूखे ये पत्तियाँ वगैरह रख देते हैं दोस्तों। और खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि आप जो खाद डालें अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है खाद डालने से पहले, ताकि कहीं भी आप खाद डालें तो इधर उधर अटके ना, मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और जड़ों तक बहुत अच्छे से पहुंचे दोस्तों, तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है, मिट्टी वेल्ड्रन तैयार करिएगा। एकदम मिट्टी वेल्ड्रन का मतलब होता है भुरभुरी, जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी में ही जो खाद आप डालेंगे चाहे रासायनिक चाहे आर्गेनिक वह खाद सूट करता है पौधों को। और देखिए दोस्तों मैंने खुदाई की तो कुछ जड़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो भी टूट के निकल जाएंगी, इन जड़ों का कोई काम नहीं होता है, अब इन जड़ों को हम काट के निकाल देंगे तो पौधा मेरा फिर से नई जड़ें अपनी बनाएगा, फिर उसी पौधे में अच्छे से ग्रोथ और फूल कलियाँ आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, अच्छे से खुदाई करके हाथों से इसे मसल दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये यूरिया के कुछ दाने लिए हुए हैं, ये दो चुटकी के करीब है दोस्तों,
तो ये मेरा 24 इंच का गमला है, ये दो चुटकी के करीब मैंने यूरिया के दाने लिया हुए हैं। यूरिया का दाना ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत तेज असर करता है पौधों में, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो पौधों को जलाने भर की ताकत रखता है। तो इसकी मात्रा अधिक ना होने दीजिएगा, आप अपने चुटकियों से ये तीन फिंगर पकड़िएगा, जितना आ जाए उतना ही खाद डालिएगा बड़े गमले में। छोटे गमले में ये दो फिंगर की सहायता से डालिएगा। मेरा गमला बड़ा है तो मैं तीन चुटकियों की सहायता से ली हूँ दोस्तों, तो यानी कि दो चुटकी हुआ मेरा, ठीक है। तो उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा। और इसकी ग्रोथ देखिएगा बहुत तेज़ होती है पौधों में, बहुत लोग डरते हैं डालने से, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब से किसी भी चीज़ को अगर डालते हैं पौधे में तो बहुत अच्छे से सूट करता है। तो मैं तो हमेशा डालती हूँ, महीने में एक बार ज़रूर डालती हूँ, तो आप भी महीने में एक बार डालिएगा। इससे जड़ें विकास करती हैं, जब जड़ें विकास करती हैं तो ऊपर की टहनियाँ वगैरह सब अच्छे से विकास करती हैं। उसके बाद मैंने ये हड्डियों का चूरा लिया हुआ है, उसके हड्डियों का चूरा ये होता है कि जो फूल वाले फल वाले पौधे आते हैं या सब्जियों वाले, तो उसमें हड्डियों का चूरा डालने से ये होता है कि कैल्शियम की पूर्ति होती है। जब कैल्शियम इनको भरपूर मात्रा में मिलता है तो वही पौधे अच्छे से विकास करते, उन्हीं पर ढेरों फूल और कलियां आती हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने एक चम्मच के करीब ये नीम खली लिया हुआ, नीम खली है दोस्तों, ये नीम खली थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो इसको भी एक चम्मच के करीब लीजिएगा। उससे ये होगा कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो वो मर जाएंगे दोस्तों। तो ये नीम खली मेरी आर्गेनिक है, ये रस वाली नहीं है दोस्तों, तो इसको भी आप ले सकते हैं, नीम खली एक चम्मच और एक चम्मच बोन मील और दो चुटकी मैंने यूरिया लिया। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद ली हुई है दोस्तों, ये करीब मेरा चार मुट्ठी के करीब केचुए की खाद है। केचुए की खाद डालने से मरता हुआ पौधा जीवित हो जाता है, अगर उसमें ज़रा सा भी हरापन पड़ा हुआ है वह पौधा फिर से अपनी हरियाली ग्रोथ पकड़ लेगा, और उसमें आप देखिएगा कि चौथे दिन उसमें नई ब्रांच निकल जाएगी। जो मैंने खाद आपको बताया वह खाद आप डाल के देखिए, आपका पौधा हरा भरा ना हो जाए तो फिर कहिएगा। एकदम जो सूखता हुआ पौधा रहता है वह हरा हो जाता है और उस पर बम्पर फ्लावरिंग होने लगती है दोस्तों। इतना इफेक्टिव ये खाद होता है, नीम खली बोन मील हड्डियों का बोन मील को ही हड्डियों का चूरा कहते हैं दोस्तों। तो हड्डियों का चूरा और वो जो मैंने दिखाया है नीम खली और यूरिया और जो बर्मी कंपोस्ट बहुत इफेक्टिव होता है। उसके बाद मैंने ये हींग लिया हुआ है और हींग को 2 लीटर पानी में मैं डाल के और स्प्रे करूँगी दोस्तों। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लगे हैं पौधे की पत्तियों के ऊपर, वह तेज़ी से मर जाएंगे, हट जाएंगे दोस्तों। तो उसको बचाने के लिए मुझे ये डालना पड़ेगा हींग। हींग डालने से ये होगा कि जितने चींटियाँ हैं, लाही हैं, मिली बग हैं और भी कीड़े मकोड़े हैं, इसकी दुर्गंध से भग जाते हैं, आसपास भटकते नहीं हैं। तो इसका छिड़काव आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, हींग और ये जो मैंने लिया हुआ फंगीसाइड पाउडर 1 चम्मच। तो इसको आप 2 लीटर पानी में घोल के, घोलने के बाद अच्छे से मिला के उसके बाद आप स्प्रे अपने हर पौधे पे कर दीजिएगा। इसको आप महीने में 2 बार करिएगा और जो मैंने खाद आपको दिखाया उसको महीने में 1 बार करिएगा, और इसका स्प्रे आप महीने में 2 बार करिएगा और देखिएगा आपके जितने कीड़े मकोड़े जो भी लगे हैं ए टू जेड वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपका पौधा हरा भरा होने लगेगा। तो सिर्फ मिट्टी में ही खाद डालने से नहीं होता, मिट्टी के ऊपर जो पौधे होते हैं उनके ऊपर भी ये छोटे मोटे खाद डालने पड़ते हैं, छिड़काव करने पड़ते हैं, तब जाके पौधा स्वस्थ रहता है। अगर यही ज़मीन में लगा है तो थोड़ा बहुत उसका केयर कर लेंगे तो वो पूरे साल फूल देता है, लेकिन गमला में लगा रहता है पौधा तो उसकी बहुत विशेष केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे से फूल देता है। कभी कभी ये होता है कि पौधा अचानक से अपनी ग्रोथ बैठा गवा देता है। उसका एक कारण और होता है कि लोग ओवर उसमें लोड खाद डाल देते हैं, तो ओवर लोड खाद नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो आप महीने में 1 बार खाद डालिएगा, ओवरलोड मत डालिएगा, नहीं तो पत्तियां जो दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन वो ग्रीन नहीं दिखेंगी, लाइट कलर हो जाएंगी, वो अपनी कलर गंवा बैठेंगी, फिर धीरे धीरे करके वह मर जाएंगी। कभी कभी ये भी होता है कि लोग ओवरलोड खाद डाल देते हैं जिसके वजह से मल्टी विटामिन का कमी का शिकार हो जाते हैं पौधे। तो ओवरलोड कुछ भी ना करिएगा, कम मात्रा में डालिएगा, देखिएगा आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। जो ये पत्तियाँ छीदी छीदी दिख रही ना, ये भी
समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये इतना इफेक्टिव खाद है, तो हड्डियों का चूरा आप ज़रूर रखिए। अगर आपके पास हड्डियों का चूरा नहीं मौजूद है या आप छू नहीं सकते हैं, तो उसके जगह जो ये लिखने वाला चौक आता है ब्लैक बोर्ड पर, उसको भी अगर आप डालते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। या चूना, चूना जो बुझा हुआ चूना आता है, खाने वाला चूना, उस इस हड्डियों के चूरे की जगह उसको डाल सकते हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर।